नमस्कार स्टूडेंट, आज हम जो देखने जा रहे हैं अध्याय 5 का प्रश्न नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं 15 और 16 में। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिया हूं मैं और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शॉर्ट ट्रैक है इनका, और आपको ये क्वेश्चन बनाएंगे, आपको ये बिल्कुल ही नंबर देंगे, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, काम से संबंधित है। बी और सी उसी काम को 18 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। एक ही काम है हमारे पास, एक काम है, उनको ए बी सी तीन बंदे हैं, कभी ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कभी बी और सी मिलकर उसी काम को करते हैं तो कभी ए और सी मिलकर उसी काम को करते हैं, ठीक है। तो आप जो है उसी को देखेंगे कि अब हमको पूछ रहे हैं कि ए अकेले तीनों में से केवल एक अकेले जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको, हल इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि कार्य क्षमता देखना पड़ेगा कि अकेले या दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करते हैं, उनकी कार्य क्षमता कितनी। तो कैसे निकालते हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी द्वारा किसी काम को करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, कार्य क्षमता मीन्स होता है इकाई समय में किए गए कार्य, मतलब एक समय में कितने कार्य कर सकते हैं। तो 24 दिन हो गया तो क्या होगा, 1/24, मतलब वो एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे बी प्लस सी द्वारा किसी काम को कितने दिन में पूर्ण करते हैं, 18 दिन में, कितने दिन में, 18 दिन में। तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी इसका, कार्य क्षमता 1/18, इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे। उसी प्रकार से ए प्लस सी द्वारा किसी काम को कितने दिन में पूर्ण करते हैं, देखिए कहां पे लिखा है, ये 12 दिन, ठीक है 12 दिन। तो कार्य क्षमता क्या होगा इनका, कार्य क्षमता 1/12, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, जो ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आपको बता रहा हूं, ये जो काम दिख रहा है ना कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता है, इस कार्य क्षमता को हम देखेंगे तीनों मिलकर जो है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, तीनों को मिलकर कार्य क्षमता कितनी है उसको हमको देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 1, 2 और 3 तीनों समीकरण को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो है तीनों के कार्य क्षमता निकलेगा, जैसे आपको बता रहा हूं, समीकरण 1 + 2 + 3, मतलब तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी, समीकरण 2 क्या है, बी प्लस सी, मतलब दायां पक्ष को दायां पक्ष से और बायां पक्ष को बायां पक्ष से, ठीक है, ए प्लस सी। अब ए प्लस बी कितने कार्य क्षमता कितनी है, 1/24, बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है, 1/18, ठीक है, ए प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है, 1/12। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, देखिए हमारा बायां पक्ष को देखिए और इधर दायां पक्ष को देखिए, बायां पक्ष में सभी डबल देखिए, ए ए बी बी सी सी, तीनों को जोड़ देंगे, है ना, डबल ए है, डबल बी है, डबल सी, जोड़ेंगे क्या होगा, 2a समापवर्तक लेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक जब लेंगे तो तीनों का क्या निकलता है, 72 जो है इसका एलसीएम निकलता है, 24 या 72, तो 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 18 + 72 4 लिखेंगे और यहां पर 12 × 6 = 72, ठीक है, तो 6 तो 2a या 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है,
तीन चार सात सात छह तेरह बटे बहत्तर, तेरह बटे बहत्तर ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी पक्षांतर करेंगे क्या आ जाएगा, तेरह बटा बहत्तर गुना दो ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तेरह बटे एक सौ चवालीस, बहत्तर गुनी एक सौ चवालीस ठीक है। अब इसको दे देंगे हम समीकरण चार। अब क्या देखेंगे, हमको ए का मान निकालना है, मतलब ए अकेले कितने दिन का काम कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो हमको ए निकालना है, तो बी सी का मान रख दीजिए यहाँ पे। तो बी सी का मान कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है बी सी की कार्यक्षमता कितनी है, एक बटे बारह, सॉरी एक बटा अठारह ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए प्लस एक बटा मतलब बी बी प्लस सी का मान कितना देखेंगे यहाँ पे, एक बटा अठारह, ये हो गया आपका एक बटा अठारह, तेरह बटा एक सौ चौबीस ठीक है। तो ए पक्षांतर कर देंगे तो तेरह बटा एक सौ चौवालीस माइनस एक बटा अठारह ठीक है। अब देखेंगे कितना निकलता है, इक्वल टू, अब फिर क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सौ चौवालीस इसका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा, एक सौ चौवालीस से कम एक सौ चौवालीस, तो क्या हो जाएगा तेरह माइनस अठारह चौक बहत्तर है ना, अठारह चौक बहत्तर और अठारह अट्ठे क्या हो जाएगा एक सौ चौवालीस। तो ए बराबर पांच बटा एक सौ चौवालीस ठीक है। तो ए द्वारा क्या किया जाता है, ए द्वारा या ए कितने दिन में कर सकते हैं ना, क्या करेंगे इसको एक सौ चौवालीस बटा क्या कर देंगे पांच, एक क्षमता था लेकिन कितने दिन में कर सकते हैं पूछे ना। तो ए बराबर उसको उल्टा कर देंगे तो कितना जाएगा, ये पांच दुनी दस, कितना बच गया हमारे पास चार बचा, पांच अट्ठे चालीस, ऊपर में क्या बचा चार बटा पांच, मतलब अट्ठाईस सही चार बटे पांच दिन में ये कंप्लीट करेंगे ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना है। चलिए, इसी कैंप में 120 सैनिक के लिए 60 दिन के लिए खाना रखा गया है, 120 सैनिकों के लिए 60 दिन के लिए खाना रखा गया है, लेकिन 40 दिन बाद 40 सैनिक जो है कहीं और चले जाते हैं, तो उस बचे हुए खाने को बचे हुए सैनिक कितने दिन तक खाएगा, ये हमको देखना है ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके लिए कि 120 सैनिक के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए है, 60 दिन के लिए ठीक है। यदि 120 सैनिक जो है रहते हैं तो इसको 60 दिन तक खाते हैं, तो 40 दिन बाद, 40 दिन बाद शेष सैनिक कितने सैनिक बच गए 40 दिन बाद, यानी 40 सैनिक बाद चले गए कहीं, 120 माइनस 40 है ना, 120 माइनस 40 बराबर 80 सैनिक हमारे पास बचा हुआ ठीक है। और माना माना 120 सैनिक होते 40 दिन बाद, यदि 40 सैनिक नहीं जाते होते तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलता, 120 में 40 दिन तो हटा दीजिए, कितना दिन तक चलता, सॉरी 60 दिन है ना, 60 में 40 दिन कटा दे 20 दिन और खाते, सीधी से बात है ना भाई, 120 सैनिक 60 दिन तक खाते है ना। अब तो शेष, अब क्या बोल रहे, 40 दिन बाद कुछ सैनिक चले गए, कितने सैनिक वापस चले गए 40 के ही चले गए, 80 सैनिक बचा हमारे पास ठीक है। यदि ये सैनिक नहीं जाते
तो 20 दिन और चलता, क्योंकि 40 दिन तो खा चुके हैं, 20 दिन और चलता। लेकिन शेष सैनिक चूंकि लिख सकते हैं शेष, इसलिए शेष सैनिक 100 दिन तक खाएगा। शेष सैनिक मतलब 40, जो 80 सैनिक बचा है वो 100 दिन तक खाएगा। तो यहां पे लिखेंगे, मान ले जाए 120 सैनिक रहते, 40 सैनिक कहीं और नहीं जाते, तो 20 दिन तक खाना खाता, लेकिन 80 सैनिक है ना, मतलब 40 सैनिक होते तो उसे 100 दिन तक खाते। उसी को तो निकालना है ना हमने को, कि शेष सैनिक कितने दिन तक खाएगा। पक्षांतर कर दीजिए, 120 × 20 / 80 = x, 0 0 कैंसिल, 8 × 8 = 8, 15 × 120, तो x = 15 × 2, तो x = कितना हो जाएगा 30 दिन। मतलब जो लिख सकते हो शेष सैनिक उस खाद्य सामग्री को, साध सामग्री को 30 दिन खाएगा। ठीक है, यदि 120 सैनिक रहते तो 20 दिन तक बस चलता, लेकिन 40 सैनिक तो कहीं और चले गए, तो कितने दिन तक खाएगा उसको, 30 मतलब 10 दिन और ज्यादा हो गया। सीधी सी बात है ना, ज्यादा सैनिक रहेगा तो कम दिन तक चलेगा, है ना भाई, अरे कम सैनिक है तो अधिक दिन तक चलेगा, सीधी सी बात है। इस वीडियो को आप जो है 1 से 2 बार बिल्कुल देखते रहिए, है ना, बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन इतना बात है भाई कि आप लोग मेरे वीडियो को जब देखते हो ना, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए, ये जो है ना सीजी बोर्ड के आधार पर बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड के आधार पर इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनको आप करते जाइए, मेरे साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।